गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप और सेक्शन इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप है वो पब्लिक के लिए हेल्प करता है, पब्लिक की कोई भी प्रॉब्लम है ठीक है उनको सॉर्ट आउट करता है, और सेक्शनल है जो ग्रुप था उसमें जो है एक सेक्शन के लोग, जैसे कोई बिजनेसमैन हो गए या कोई लेबर ऑर्गेनाइजेशन होगी ठीक है, या कोई आपके जैसे वकील डॉक्टर्स या टीचर्स हैं, मतलब अपने सेक्शन को लेके जो है जो मूवमेंट होते थे, आंदोलन होते थे ठीक है, तो उसके लिए जो हेल्प करता था। और सेकंड आपका आ गया पब्लिक वाला। पब्लिक में ऐसा था कि पब्लिक के जो उनको वेलफेयर के लिए, इनको वेलफेयर ग्रुप भी कहा जाता है ठीक है, ये लोगों की भलाई के लिए जो है काम करते थे। जैसे पब्लिक में या सोसाइटी में हमारी कोई भी प्रॉब्लम चली हुई है ठीक है, उनको सॉर्ट आउट करना जो है इन ग्रुप का काम था। तो आज हम करेंगे मूवमेंट ग्रुप ठीक है। ये मूवमेंट ग्रुप जो है ये आपके जो प्रेशर ग्रुप था उसके समान ही, किसी भी कोई भी मूवमेंट है उसको कई कई तरह के जो है उसमें जो है ग्रुप जो है वो शामिल रहते हैं। जैसे ऊपर एग्जांपल हमने देखा कि जिनमें जो है इनकी एक अपनी एक फीचर होती है ठीक है, और आंदोलन जो है वो किसी खास मुद्दे को लेके जो है होता है। जैसे जो है नेपाल में जो डेमोक्रेसी के आंदोलन हुआ था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए जो है था प्रेशराइज करना, क्योंकि इन आदेशों के द्वारा जो है राजा ने लोकतंत्र को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और भारत में जैसे नर्मदा बचाओ मूवमेंट हुआ, तो इसके अच्छे से एग्जाम्पल हैं कि जो ये भी मूवमेंट होते हैं ये क्यों होते हैं ठीक है। और आपका नर्मदा जो नदी है उस पर बनाए जा रहे जो सरदार सरोवर बांध था उसके कारण जो है लोग वहां पर विस्थापित हुए थे, रहने लगे थे, और ये आंदोलन जो है इसी खास मुद्दे को लेके जो है वो शुरू हुआ था। इस आंदोलन में बांध को बनने से रोकना था, तो धीरे धीरे इस आंदोलन ने बहुत बड़ा रूप ले लिया और इनसे सभी बड़े बांधों के और विकास के उन मॉडल पर सवाल उठाए गए जिनमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता है ठीक है। तो ऐसे आंदोलनों में जो रिप्रेजेंटेटिव का ना बहुत ज़्यादा जो है स्पष्ट होता है और उनका जो है ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन जो है बहुत बड़े समय तक जो है वो सक्रिय रह पाते हैं। ऐसे आंदोलन जो होते हैं जो कोई बड़े मुद्दे को लेके किए जाते हैं ठीक है, तो किसी एक मुद्दे पर जो है बेस ऐसे आंदोलन को उन आंदोलनों में रखा जा सकता है जो लंबे समय तक जो है वो चलते रहते हैं। इनमें एक सबसे एक से ज़्यादा मुद्दे जो है मतलब प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं, जैसे इन्वायरमेंट का आंदोलन था, वुमेन्स का आंदोलन था ठीक है, ऐसे आंदोलनों की एक एग्जाम्पल है। और ऐसे आंदोलनों का कंट्रोल जो है और उनको आगे बताना ठीक है कि क्या करना, उनको गाइड करना के लिए एक कोई एक संगठन नहीं होता है। जैसे पर्यावरण का आंदोलन था आपका, इन्वायरमेंटल मूवमेंट था, उसमें अनेक ऑर्गेनाइजेशन थी और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनके ऊपर बेस जो है वो आंदोलन था ये शामिल किया गया था। और इसमें जो है सबसे सबके जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या थे, अलग अलग थे ठीक है, और नेतृत्व भी क्या था, अलग अलग था, जिनकी रिप्रेजेंट भी अलग अलग कर रहे थे। और जो है इसमें जो है एक जो आपका ऑब्जेक्टिव था वो था सबका एक ही था ठीक है, इनका आउटलुक भी एक जैसा था, इसी वजह से ये आंदोलन यानी कि इन्वायरमेंटल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी ऐसे आंदोलन जो होते हैं उसमें एक मतलब एक ऐसा संगठन होता है जिसमें जो है जैसे NAPM नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट था, ये ऐसा ही संगठन है ये ठीक है, जिसमें जो है डिफरेंट मुद्दों पर जो है संघर्ष कर रहे अनेक जो रेवोल्यूशनरी या मूवमेंट ग्रुप होते हैं इस संगठन के मतलब पार्ट्स होते हैं। और ये संगठन जो है अपने देश के जो लोगों के लिए आंदोलन होते हैं उनकी मूवमेंट को एक मतलब तालमेल उनको बिठाने का काम करता है ठीक है ना, ये आंदोलन ऐसे होते हैं। और प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट जो है वो पॉलिटिक्स पर कैसे असर डालते हैं, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट जो हो रहे हैं ठीक है ना, और ये जो है कैसे असर डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका है कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और आंदोलन होते हैं अपने मोटिव, इनका लक्ष्य होता है और एक्टिविटीज होती है वो जनता का क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं और उनको मतलब उनकी एक सहानुभूति हासिल करने के लिए, ये सिंपति ठीक है ना, सहानुभूति यानी कि सिंपति हासिल करने के लिए कोशिश करती हैं। और इसके लिए जो है एक सूचना अभियान चलाना, क्या इंफॉर्मेशन कंपेन ठीक है ना, उसकी एक बैठक जो है
आयोजित की जाती है और अर्जी जो है उसमें एक एप्लीकेशन जो है वो दी जाती है और जैसे तरीके जो है इनका हेल्प ली जाती है। और ऐसे अधिकतर जो है ये मीडिया को भी इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि उनके मसलों पर जो उनकी प्रॉब्लम है उन पर मीडिया ज़्यादा ध्यान डाले। तो ये जो आपके प्रेशर ग्रुप्स हैं, देखा ये पॉलिटिक्स पर कैसे असर डालते हैं, तो ये क्या करते हैं मीडिया का हेल्प लेते हैं और ताकि जो मीडिया जो है इनकी जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान डाले और लोगों के सामने इनकी बातें आएं। सेकंड है, जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं वो अक्सर स्ट्राइक करते हैं या सरकारी कामकाज होते हैं उसमें बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ग्रुप्स क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने मीडिया की हेल्प ली, सेकंड उन्होंने क्या करा, स्ट्राइक करी ताकि जो है गवर्नमेंट के कोई काम होते हैं उनमें उनको प्रॉब्लम आए और ऐसे उपायों का ये करते हैं हेल्प लेते हैं। जैसे लेबर ऑर्गेनाइजेशन है आपका और ये जो कर्मचारी होते हैं सरकारी कर्मचारी होते हैं इनकी यूनिटी होती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इनकी ये अपने जो है सरकार की सरकार उनकी मांगों की तरफ जो है उनको ध्यान देने के लिए मतलब प्रेशराइज हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसका, जैसे आपका बिजनेस ग्रुप है और जो लॉबिस्ट जो है इसको क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, महंगे जो है आपके जो है ये एड आती हैं उनको बनाते हैं। प्रेशर ग्रुप्स जो है और मूवमेंट ग्रुप्स जो है उसमें कुछ व्यक्ति जो है सरकार को सलाह देने वाली जो कमेटीज होती हैं और ऑफिसर्स होते हैं इसमें जो है अपना काम करते रहते हैं ये, ठीक है। और ये जो दबाव समूह और आंदोलन होते हैं ये पॉलिटिक्स में सीधे ही भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल जो है पार्टीज पर असर डालना चाहते हैं। जैसे इनके मूवमेंट होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक नहीं होते हैं, लेकिन उनका एक पॉलिटिकल एक साइड होती है, ठीक है। और ये जो आंदोलन होते हैं उसमें पॉलिटिकल जो है आइडियोलॉजी भी होती है और बड़े बड़े मुद्दों पर जो है उनका क्या होता है, पॉलिटिकल साइड लेता है ये। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और प्रेशर ग्रुप्स के बीच जो है एक रिश्ता जो है वो धारण हो जाता है, यानी कि एक रिश्ता बन जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ जो है डायरेक्ट होते हैं जो रिश्ते हैं और कुछ जो होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे कुछ मामलों जो प्रेशर ग्रुप है पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है उनके द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है। उनका नेतृत्व जो है रिप्रेजेंट भी उनको पॉलिटिकल पार्टी के नेता ही करते हैं। और कुछ जो है प्रेशर ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज की एक सिर्फ एक ब्रांच के रूप में काम करते हैं। जैसे भारत के जो ये आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, आपका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या तो फिर बड़े राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा बनाए जाते हैं ये, ठीक है ना। और उनकी जो है राजनीतिक जो पार्टीज होती हैं उनसे ऐसे जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनमें अधिकतर जो नेता होते हैं वो किसी न किसी पार्टी में क्या होते हैं, नेता होते हैं या फिर उनमें काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है नेक्स्ट है इसमें कि कभी कभी आंदोलन जो है पॉलिटिकल पार्टी का ही रूप ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो आप फॉरेन के लोगों जो विदेशी हैं, ठीक है, फॉरनर्स हैं, लोगों के विरुद्ध छात्रों में एक असम आंदोलन चलाया गया था। जब जब इस आंदोलन की खत्म हुआ ये तो इस आंदोलन को असम गण परिषद का रूप जो है वो दे दिया गया, ठीक है। 1930 में और 1940 में 1930 और 1940 का जो टाइम पीरियड था उसमें तमिलनाडु में जो सोशल रिफॉर्मर थे जो मूवमेंट चले उनमें जैसे डीएमके एडीएमके जैसी पार्टियां जो थी उनकी जो रूट्स थी और इन सोशल जो रिफॉर्मर थे उनके आंदोलनों में आप देख सकते हो, ठीक है। और जो है प्रेशर ग्रुप और ये जो मूवमेंट है उनका पॉलिटिकल पार्टियों से डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं होता है, ठीक है ना। दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, फिर भी इनके बीच जो है एक कम्युनिकेशन जो है वो रहता है और इनकी जो है बातचीत आपस में चलती रहती है। और ये जो मूवमेंट ग्रुप है इनमें नए नए जो प्रॉब्लम होती है उठाए जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टी इन मुद्दों को आगे बढ़ाती है या बढ़ाती है या बढ़ाया है इन्होंने। और राजनीतिक जो पार्टीज होती है पॉलिटिकल पार्टी में अधिकतर जो नए नेता होते हैं वो प्रेशर ग्रुप या आपकी मूवमेंट ग्रुप से ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये इज देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी, कि ये जो है क्या ये जो दबाव समूह है और आपके जो मूवमेंट हैं ये इनके जो इफेक्ट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, हेल्दी होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि जो इनके परिणाम होते हैं, ठीक है। तो जैसे शुरुआत में हमें लगता है कि किसी भी एक ही तबके के हितों की अगर हम साइड लेंगे तो जो प्रेशर ग्रुप है वो डेमोक्रेसी के लिए
हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। जैसे लोकतंत्र में किसी भी एक सेक्शन की नहीं बल्कि सारे लोगों के हितों की रक्षा के लिए बात होती है, यानी कि सभी के लिए। पब्लिक में डेमोक्रेसी का मतलब ही लोगों के लिए है, ठीक है। तो ये भी लग सकता है कि ऐसे जो ग्रुप हैं वो पावर्स का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, ठीक है। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते, यानी कि, और संभव यह है कि जो हमारे प्रेशर ग्रुप्स हैं और मूवमेंट हैं उनको जनता से कंट्रीब्यूशन और धन ना मिले। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रेशर ग्रुप हैं वो बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो उन्हें, लेकिन उनके पास धन ज़्यादा हो। इसी पर ऐसे बहुत सारे एजेंडे हैं जो पब्लिक जो है उनकी बहस को जो पब्लिक यानी कि क्रिटिसाइज करते हैं उनको तोड़ने में सफल हो जाएं, ठीक है, उनको सफलता प्राप्त हो जाए, वो सक्सेस हो जाए उसमें। लेकिन थोड़ा बहुत जो है इनका बैलेंस जो है वो भी अपनाया जाता है या होता है। जैसे द्वाब समूह हैं, आपके प्रेशर ग्रुप्स हैं और मूवमेंट हैं, उसमें जो डेमोक्रेसी की जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब मजबूत हैं वो, है ना, ठीक है। और जो आपके शासक होते हैं उनके ऊपर जो है वो प्रेशर डालना, लोकतंत्र में कोई एक मतलब ये इस चीज़ को हेल्प वो नहीं करता कि कोई शासकों के ऊपर जो है वो दबाव डाल ले, बल्कि इसका अवसर सबको प्राप्त होता है, ठीक है। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जब बनती है तो जो थोड़ा हाई के इस लोग होते हैं, ठीक है, वो उसके प्रेशर में आ जाती हैं, और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके जो है हेल्प के लिए या मूवमेंट के लिए कुछ ऐसे दबाव के प्रति जो है वो अपनी भूमिका जो है वो निभाते रहते हैं, और आम जो एक नागरिक होता है उसको जरूरतों को और उससे सरकार को क्या है कि अवगत कराते हैं कि इस जो आम आदमी है उसको इन चीज़ों की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो क्लास डिफरेंट होती है, अलग अलग क्लास के लोग होते हैं उसमें एक दूसरे के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब जो है डिफरेंट क्लास के लोग जो है वो एक्टिव हो जाते हैं तो कोई एक जो है ग्रुप समाज के ऊपर जो है वो अपना प्रेशर नहीं डाल सकता, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट आपकी, अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो तो किसी एक ग्रुप का जो है इतना प्रेशर जो है वो नहीं बन सकता है, ठीक है। यदि कोई एक ग्रुप जो है सरकार के ऊपर अपने लिए ही कोई पॉलिसी बनाना चाहता है या दबाव डालता है उसके ऊपर, तो दूसरा जो है ग्रुप उसके ऊपर जो है इतना दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से ना बनाई जाएं कि सरकार को ये भी पता, ऐसे में पता चलता रहता है कि सरकार के सभी लोग जो हैं वो क्या ऐसा चाहते हैं। अगर वो तभी ऐसा चाहते हैं तभी ऐसा कोई रूल्स बनता है, नहीं तो जो दूसरे के अपोजिट होते हैं उनके बीच जो है कोऑर्डिनेशन लाना और पावर्स को बैलेंस करना जो है वो पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये जो है आपके मतलब गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है आप जिसमें रह रहे हो, ठीक है, डेमोक्रेसी में, तो उसमें जो है चाहे आप कोई मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो या जो भी हैं, तो आप जो है किसी एक क्लास के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें जो है सभी के सभी लोगों के लिए उसमें जो है वो क्या करना पड़ता है, ऐसा काम करना पड़ता है कि सभी को इक्वल राइट्स जो है वो दिए जाएँ, ठीक है। थैंक यू क्लास।